अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। आज की वीडियो हमारी ब्रिकी टैबलेट के ऊपर है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रिकी टैबलेट के इस्तेमाल, इसके साइड इफेक्ट्स और इसे सेफली कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको अबॉर्शंस में कैसे इस्तेमाल करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ब्रिकी टैबलेट का ताल्लुक मेसोप्रोस्टल फैमिली से है। ये एक ऐसी ड्रग है जिसके तीन मेन यूजेस हैं। यानी सबसे पहला यूज इसका ये है कि इसे गैस्ट्रिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसे प्रेगनेंसी में लेबर इंड्यूस कराने के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके तीसरे यूज में इसे मेडिकल अबॉर्शंस में भी यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गैस्ट्रिक अल्सर्स में ये मेडिसिन कैसे काम करती है। बेसिकली ऐसे अल्सर्स जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन की वजह से हो जाएं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की तरफ से ब्रिकी टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है या मेसोप्रोस्टल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है आपकी एसिड से, यानी आपकी एसिड की क्वांटिटी कम कर देती है और आपकी स्टमक की लाइनिंग को उससे प्रोटेक्ट करती है और इस तरह आपके अल्सर को जो है वो ट्रीट करती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूज़ है, इसमें प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स में जब आप बिल्कुल ड्यू होते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो लेबर इंड्यूस करवाने के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से इसको वजाना में इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि लेबर नहीं हो रही होती और इसकी वजह से प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तो उसके लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी में लेबर इंड्यूस हो जाए और प्रेगनेंसी स्मूथली हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इस मेडिसिन के सबसे मेन यूज़ की तरफ। यानी इसे मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो है मेडिकल अबॉर्शंस। अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक्स या 3 मंथ से कम है और किसी मेडिकल इमरजेंसी या फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर जो है वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। इसको वजाइना में भी इंसर्ट किया जाता है और ऑरली भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुँह से भी इसकी डोजेज ली जा सकती है। 4 टैबलेट्स को वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और कुछ अर्सा वेट किया जाता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो इट मीन्स कि मेडिसिन अपना काम कर रही है और प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है। लेकिन आप अगर इसे मुंह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको उसका ऑरली इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 4 टैबलेट्स को जुबान के ऊपर रखा जाए तो इसे चूसा जाता है। इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, इसे पानी के साथ कंज्यूम नहीं करना है, इसे जुबान पे रखना है 4 टैबलेट्स को और इसे चूसना है, और 4 घंटे आप वेट करें, 3-4 घंटे, अगर उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या पेट में दर्द शुरू हो जाती है तो इट मीन्स कि मेडिसिन अपना काम कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोबारा से 4 घंटे बाद 4 टैबलेट्स को दोबारा ले सकते हैं। इसी तरह अगर फिर दोबारा ब्लीडिंग या स्टार्ट नहीं होती और पीरियड क्रैम्प्स नहीं होते तो इट मींस कि आपको दोबारा 4 टैबलेट्स इस्तेमाल करनी, और इस तरह करके आप 12 टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह सेम वजाइना के भी यही प्रोसेस है, 4 टैबलेट्स आप रखेंगे, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ठीक है, इट मींस कि मेडिसिन अपना काम कर रही है, अगर नहीं होती तो इट मींस कि मेडिसिन अपना काम नहीं कर रही। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किसी न किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती तो इट मींस फिर आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है और आपको DNC करवानी पड़ेगी टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी। याद रखें ये मेडिसिन जब भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर की एडवाइस से ही इस्तेमाल करें, खुद से इसका इस्तेमाल मत कीजिए। इस मेडिसिन के अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो इसकी वजह से डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। इसके अलावा हैवी किस्म की ब्लीडिंग और पेट में क्रैम्प्स वगैरह या पेट में दर्द की शिकायत भी आ सकती है, लेकिन ये सब नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं जो इस मेडिसिन के साथ होते हैं। लेकिन अगर कोई सीवियर किस्म की कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो या इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेक श्योर यू रीच टू मी और आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थम्स अप जरूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।